तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस, और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला। तो हमने अभी तक एक्सेल में आपको कई सारे कैटेगरीज की फॉर्मूलेज को बनाया, उसमें हम बात करेंगे आज फाइनेंशियल फॉर्मूला के बारे में कि फाइनेंशियल फॉर्मूला के कुछ फॉर्मूला है जिसकी हम जो हमने अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं उसका क्या रोल है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये हम आज आपको अपनी क्लास में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईएमआई कैलकुलेट करने की। जैसे कि मान लीजिए कि प्रिंसिपल हमारे पास 50,000 है और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 4% है या फिर 7% मान लेते हैं, और हमारे पास टाइम जो है वो 4 सालों का है। तो हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी ताकि हमें 4 सालों में 7% इंटरेस्ट के साथ 50,000 का ये हो जाए। लेकिन आप देखिए, अब जो नॉर्मल जो हमारे पास प्राइवेट फाइनेंसर्स है, जो 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 फाइनेंसर्स है वो लोग पहले तो यूज करते थे, लेकिन अब सिंपल मंथला यूज करते हैं, वो क्या करेंगे कि वो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे आपके प्रिंसिपल में एंड देन डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 12 और आपका निकाल लेंगे रिजल्ट। लेकिन ये तो हुआ फ्लैट इंटरेस्ट, लेकिन आपको अगर डिक्रीजिंग चाहिए, मतलब जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं, वो कैसे निकलेगा चलिए वो बताता हूँ आप। उसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला पीएमटी का फॉर्मूला कि इक्वल पीएमटी, और हम सिलेक्ट करेंगे रेट, रेट को डिवाइड करेंगे 12 से, देन टाइम, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, एंड पी वी हमारे पास ये हो जाएगा 50,000, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू है तो हमारे पास ईएमआई 1,197। अब देखिए कितना फर्क पड़ रहा है दोनों में, मतलब ये किस मेथड पर कैलकुलेट हो रहा है। तो इसका मेथड भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसका मेथड हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि 50,000 आपने इंटरेस्ट लिया, फिर 12 क्या है आपका 7, हाँ 7% डिवाइड बाई 12, ये आपका मंथली इंटरेस्ट रेट हो गया, और हर महीने के इंटरेस्ट एंड में आपका इंटरेस्ट होगा 200, ये हो गया, और फिर इसके ऊपर वो प्लस करेगा इसको, तो महीने के एंड में आपका 50,251 हो जाएगा और जमा कितना होगा 1,197.31, नाइन सेवन पॉइंट थ्री वन आपने जमा कर दिया। तो अगले महीने इंटरेस्ट क्या, अगले महीने का प्रिंसिपल क्या होगा, अगले महीने का प्रिंसिपल होगा दिस माइनस दिस, और ये प्रिंसिपल होगा, फिर इस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा, इंटरेस्ट चलेगा और फिर होगा, यही कंटिन्यूअस आप कहाँ तक, कब तक चलती जाएगी, जो 48वें महीना, और 48वें महीने में आप देखिए कि आपका लोन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और कुछ पैसे या कुछ रुपए का डिफरेंस हो सकता है, और डिफरेंस इसलिए होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 11.97 किया था ना, बट यहाँ पे और भी इसके साथ पॉइंट्स है ना, इसलिए ये तो हमने छोड़ दिया था। तो ये हुआ, तो मतलब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि हर महीने आपका इंटरेस्ट जैसे कि कैलकुलेट होता है कि ये 50,000 महीना में हो गया जो कि आ गया, और फिर आपने किया तो माइनस होकर इतना आ गया। जैसे जैसे आप पैसा जमा करते हैं वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट कमता जाता है और उस तरह से आपका लोन आखिर में खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे पास जो मोस्टली फाइनेंशियल जो है आपके प्राइवेट फाइनेंशियल आजकल इस तरह के मेथड यूज करते हो, सिंपल मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई हमारी पीएमटी। लेकिन जब बैंक में आप डिपोजिट करते हैं, तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं ईएमआई 2,000 रुपये महीना यहाँ पे जमा कर रहा हूँ, 2,000 रुपये जमा कर रहा हूँ, बैंक 7% का इंटरेस्ट रेट दे रही है और टाइम हम 3 साल के लिए जमा कर रहे हैं, तो हमारा अमाउंट कितना होगा। तो अब ऐसा नहीं है कि बैंक क्या करेगी आपको जो इसको 7 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 12,
एक बार आपको इसमें जोड़, ऐसा नहीं देगी आपको सर, इंटरेस्ट एक बार निकालेगी, वो इंटरेस्ट अलग निकालती है। तो क्या होगा इसके लिए, हम लगाएंगे पीवी, फ्यूचर वैल्यू, जिसमें हमारे पास रेट डिवाइड बाय 12 होगा, टाइम मल्टीप्लाई बाय 12 क्योंकि मंथली कैलकुलेट हो रहा है, और फिर पीएमटी हमारा 2000 हो जाएगा, मतलब कि 79,860 रुपीज जाएगा। मतलब एक कैसे कैलकुलेट होगा, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन मेथड भी आपको समझा देते हैं। आपको 2000 रुपीज आपने जमा किया, 7% डिवाइड बाई 12, ये हमारा मंथली कैलकुलेशन हुआ। हर महीने के लास्ट में इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 11 रुपये बना, और अगले महीने आपका अमाउंट हो गया 11 रुपये बस ए। और उसके बाद आप जब ये करेंगे, मतलब कि इसमें अगले महीने 2000 रुपये और जमा करेंगे, तो अगले महीने का आपका हो जाएगा 4011, और ये सेम कैलकुलेशन होता चला जाएगा। कब तक बात है, 36 महीना है तो 36 महीने तक। छत्तीसवें महीने आप लोग उठा रहे हैं ना, 36वें महीने लोन कैलकुलेट नहीं होगा। तो 36वें महीने पूरा यहां हो रहा है, ये हुआ 7986 60, अरे यहां पे रिजल्ट आया। लेकिन मान लीजिए कि मुझे नहीं, मुझे ईएमआई कैलकुलेट करना, मतलब कि मैं रेकरिंग अमाउंट जमा करना चाहता हूं और 80,000 रुपये चाहिए समर शॉर्ट के बाद, तो फ्यूचर में चाहिए हमें, और हमारे पास रेट 7% का है, और मैं जमा करना चाहता हूं 5 साल, टाइम हमारे पास 50 ईयर का है। तो एक काम और करते हैं ना, चलिए ये हाँ 50 ईयर का है, 50 ईयर नहीं करते, 5 ईयर कर देते हैं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पीएमटी का फॉर्मूला, देखिए यहाँ भी पीएमटी का फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। जब आपको ईएमआई कैलकुलेट करनी हो, तो अगर दो केसेस में ईएमआई कैलकुलेट होती है, पहली जो आप लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट में कैलकुलेट होती है, और दूसरी आप अगर रेकरिंग, मतलब की रेकरिंग मतलब हर महीने पैसा जमा करने का निकालना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं हमारा पीएमटी का फॉर्मूला। PMT रेट डिवाइड बाय हमारे रेट मल्टीप्लाई बाय 2, टाइम नहीं, रेट डिवाइड होगा ना, माफ कीजिएगा, रेट डिवाइड बाय 12 एंड टाइम मल्टीप्लाई बाय आल्सो 12, और PV नहीं हमारे पास, FV है, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू है, हमने फ्यूचर वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा देके एंटर मारा। तो 1117 रुपये अगर जमा करते हैं, तो 5 सालों में 80,000 रुपया हो जाएगा हमारा, ठीक है सर जी। सर अब मुझे फिक्स डिपॉजिट का हिसाब लगाना है, एट परसेंट चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मान लीजिए मुझे फिक्स डिपॉजिट करना, मैं 50,000 रुपीज की फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूं, और रेट 7% है, और टाइम हमारा मान लीजिए मैं 5 सालों के लिए करना चाहता हूं, तो मेरा पीवी क्या, एफबी क्या होगा, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगा,
तो यहाँ पे भी हम एफवी का फॉर्मूला लगाएंगे और हम यहाँ रेट को डिवाइड करेंगे यहाँ से इतना से, और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ, और हमारे पास जो पीएमटी यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे होगा पीवी फॉर्म। पीवी क्या है हमारा, 50,000 है, तो ये आपका 5 सालों में हो जाएगा। या फिर मैं चाहूं कि मुझे रिटायरमेंट के समय 10 लाख रुपए चाहिए, और रेट जो है हमारा वो 7% का है, और टाइम में रिटायर होने में मेरे पास 30 साल है या 20 साल है मान लीजिए, तो मैं अभी कितना पैसा जमा करूं कि 20 सालों में 7% से मेरा 10 लाख हो जाए एफडी। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप लगाएंगे पीवी का फॉर्मूला, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। तो रेट मल्टीप्लाई बाय 12, और यहाँ पे हमारा टाइम हो जाएगा, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं रेट डिवाइड बाय 12 होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 12 एंड टाइम मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 12 12, और हमारा पीएमटी नहीं है यहाँ पे, पीएफबी फ्यूचर वैल्यू ये है। तो ये रहा कि अगर मैं 2,47,602 रुपया अगर जमा कर देता हूं तो 20 सालों बाद वो 10 लाख बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब दूसरा चीज यहां पर है कि मुझे कितने सालों में पैसा डबल होगा, मुझे ये पता करना है। मान लीजिए कि 50,000 रुपये मेरे पास यहाँ पर है और मुझे इसका 1 लाख रुपया चाहिए, राइट, और रेट जो है हमारे पास बैंक बोल रही है कि मैं 7.5% दूंगा, तो मुझे यहाँ पे टाइम निकालना है कि मेरा मेरा पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा। तो उसके लिए एनपीईआर का फॉर्मूला हम लगाएंगे, कि एनपीआर फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हम देंगे रेट डिवाइड बाय 12, हम देंगे पीएमटी नहीं है हमारा पीवी है, पीवी ए रहा और हमारे पास एफवी ए रहा, फ्यूचर वैल्यू ए रहा। अब रिजल्ट इसमें नम आ रहा है, इस नम आने का कारण ये है क्योंकि फाइनेंशियल फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि रिजल्ट नेगेटिव दे रहा है, दे रहा है सर, सारे रिजल्ट नेगेटिव दे रहा है, और यहां पे दोनों पॉजिटिव है, तो इस पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए तब रिजल्ट आपको आएगा। तो 111 महीना ये बता रहा है, 111 महीने में ये पैसा डबल हो जाएगा। अब 111 महीने को डिवाइड कर देते हैं 12 से, तो 9 साल कुछ महीने बता रहा है, ठीक है, पैसा डबल करने का। अब हम इसी क्या बात करें कि मतलब कि बैंक बोल रही है कि हम 9 साल में पैसा डबल कर देंगे, चलो ठीक है, 9 ईयर्स यहाँ पे टाइम है, 9 ईयर में पैसा डबल कर देंगे। अब बात करनी है रेट, तो बैंक को पता करना है कि कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं दूंगा ताकि 9 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा। तो उस केस में हम लगाएंगे फॉर्मूला रेट का, रेट टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, अभी से पीएमटी नहीं है छोड़ दीजिए, पीवी है 50,000 और एफ बी फ्यूचर में 1 लाख आएगा, एंटर मारिए। तो 1% दिख रहा है लेकिन 1% है नहीं, इसको मल्टीप्लाई बाय हम 12 करेंगे क्योंकि मंथली निकला है, तो ये आपका आ जाएगा 7.73%। अगर आप बैंक हमें देती है तो मेरा पैसा 9 साल में सीधे डबल हो जाएगा, ठीक है सर। इसमें डिफरेंस जी क्या 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 बोले सर, नहीं इसमें 7.73% है, ऊपर में 7.5% आपने देखा ना कि नौ नौ महीने 9 साल कुछ महीने था ना, यहाँ पे फ्लैट 9 ईयर है ना, है। ओके ओके इसलिए हुआ है। आप यहाँ भी 9.27 कर दे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा, कट गया, सही है सर। चलिए। अब प्रॉब्लम आती है कि हम यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे हमने लोन दिया, राइट, 1,197 रुपये के महीने मुझे जमा कर रहा है,
लोन 48वें महीने का है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 20वें महीने में आगे कहता है कि भाई मेरा लोन सेटल करो, मुझे आगे नहीं चलाना, आप बताओ आपका कितना पैसा लगा। तो कस्टमर क्या सोचेगा कि मैं 48 में 23,000 दे चुका हूं, 50 में 23,000, अब 26,000-27,000 बचा हुआ, हम दे देंगे। जी नहीं, जो आपने 23,000 रुपया दिया है उसमें आप देखेंगे तो आपके पास 20 महीने तक, हाँ, उसमें से 4,793 रुपये आपका इंटरेस्ट था, तो ये इंटरेस्ट इसमें से घट जाएगा, बाकी बचेगा प्रिंसिपल, फिर आपके प्रिंसिपल से माइनस होगा और जो चार्ज वार्ज होते चार्ज लग के आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलोगे सर बैंक जब सेटलमेंट करते हैं तो पैसा कम जाता है क्या? तो जैसे आपने 50,000 का लोन लिया, 14 इंटरेस्ट और आपको 64,000 देना है, 20वें महीने आपको टोटल लोन कितना का हुआ? 64,000 का हुआ। अब आप लोन देते समय जाते हैं तो वही आपका 20 महीने के बाद से जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट को हटा देता है सेटलमेंट में, तो आपको लगता है कि आपको कम पैसे देने हैं। समझ गया सर? जी सर। तो सेटलमेंट वगैरह यही होता है। बाकी फाइनेंशियल फॉर्मूला में बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन सब फॉर्मूलों को सीखने के लिए हमें फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए सर। जैसे कि आप ये देख लीजिए डीडीबी, ये क्या निकालता है पता है आपको सर? डिप्रिसिएशन निकालता है। पता है डिप्रिसिएशन क्या होता है? ना सर, वही प्रॉब्लम है, मुझे डिप्रिसिएशन के बारे में पूरा समझाना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनेंस का चैप्टर है ना सर। डिप्रिसिएशन ये होता है, जैसे आपने अपना मान लीजिए एक फैक्ट्री खोला, राइट, फैक्ट्री में आपने 50,00,000 की मशीन लगाई, अब तीन साल बाद आप फैक्ट्री बेच रहे हो, तो आपकी मशीन 50,00,000 की लगाए तो 50,00,000 की थोड़ी रहेगी, फिर वो घटेगा ना जी सर। कितना घटेगा और डिप्रिसिएशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपनी एक गाड़ी कर दी, जो गाड़ी 5,00,000 की थी, ठीक है, सैलवेज कॉस्ट मतलब कि अगर मैं इसको कवाड़ी में ही बेचूंगा फिर भी ये 10,000 की बिक जाएगी, ठीक है, और मेरे गाड़ी का लाइफ 10 साल का है या 15 साल, मान लीजिए 15 साल का लाइफ है, और मैं तीसरे साल गाड़ी को बेच रहा हूं, तो कितना अमाउंट हमारा घटेगा? तो आपके सामने दिखिए, दिख रहा नीचे जी सर, 1,14,000 रुपए घट जाएगा, मतलब कि अब मेरी गाड़ी तीसरे साल 5,00,000 में नहीं, कितने घटेगी? 3,86,000 में बिकेगी। समझ गए जी सर? फोकस कीजिए, क्या रिजल्ट आ जाएगा। चलिए होता है, तो इसी तरह से है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कल की क्लास में आपको डेटाबेस एंड लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला करेंगे। कल हमारी फॉर्मूले कैटेगरी क्लास की लास्ट क्लास होगी, फिर उसके बाद हम लोग एडवांस फॉर्मूले के ऊपर मूव करेंगे। कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। नो सर, ओके, थैंक यू।